नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। ईपीएस 95 एनएससी राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने किया आर पार लड़ाई। ये खबर है कानपुर से, जहां रविवार को ईपीएस 95 एनएससी राष्ट्रीय संघर्ष समिति कानपुर मंडल उत्तर प्रदेश की एक आम सभा रावतपुर बस स्टैंड कानपुर में राष्ट्रीय सचिव ओम शंकर तिवारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। सभा को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सलाहकार राजेश कुमार शुक्ला द्वारा सारगर्भित उद्बोधन किया। उन्होंने अब तक की प्रगति और आगे की रणनीति पर भी सभी को अवगत कराते हुए सरकार की वादा खिलाफी पर विस्तार से चर्चा की। मंडल सचिव जयरूप सिंह परिहार द्वारा अपने संबोधन में उपस्थित सभी साथियों का उत्साहवर्धन करते हुए बताया कि आज देश के 27 प्रांतों में जनपदीय एवं प्रांतीय सम्मेलन राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देशानुसार उनकी उपस्थिति में जनजागरण कर संख्या बल बढ़ाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। साथियों, जनशक्ति से हमें ही सफलता मिलेगी। इसी क्रम में 21 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र काशी में उत्तर प्रदेश का प्रांतीय सम्मेलन होना निश्चित किया गया है। उन्होंने अधिक से अधिक लोगों से सम्मेलन में पहुंचने का अनुरोध किया है। अंत में राष्ट्रीय सचिव ओम शंकर तिवारी ने अपने उद्बोधन में बड़े ही जोशीले अंदाज में सरकार को चेतावनी देते हुए आगाह किया कि अब धैर्य की सीमा समाप्त हो रही है। हमारी 4 सूत्रीय मांगों के लिए संगठन 6 वर्षों से संवैधानिक तरीके से संघर्षरत है। उन्होंने कहा कि हमने शांतिपूर्ण तरीके से जिला मंडल, प्रांत एवं दिल्ली तक विभिन्न प्रकार के आंदोलन किए तथा निर्णायक श्रम मंत्री, वित्त मंत्री, ईपीएफओ कमिश्नर, वित्त सचिव, पीएमओ, राज्य मंत्री आदि से कई बार चर्चा हुई। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 4/3/2020 तथा 5/8/2021 को 2 बार वार्ता एवं उनके द्वारा दिए गए आश्वासन के बाद भी आज तक हमारी मांगें नहीं मानी गईं, ना ही कोई निर्णय लिया गया। स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री को उनके द्वारा दिए गए वादे को याद दिलाने के लिए पूरे देश में पेंशनरों के रक्त से हस्ताक्षरित प्रधानमंत्री संबोधित पत्र सांसदों के माध्यम से 30 जून तक भेजे जा रहे हैं। तय किया गया है कि अगर मांगे मानसून सत्र या उससे पहले पूरी नहीं हुई तो हम करो या मरो के साथ आर पार की लड़ाई के लिए आगामी अगस्त माह में लाखों की संख्या में दिल्ली पहुंचना है। वहां पर अनिश्चितकालीन अनशन, धरना प्रदर्शन, रास्ता रोको आंदोलन, मांगे न मानी जाने पर जारी रहेंगे। उन्होंने बताया कि उक्त आंदोलन के तहत कभी भी आमरण अनशन शुरू किया जाएगा। सभा की अध्यक्षता कर रहे तिवारी ने पेंशनरों की गरिमामय उपस्थिति के लिए सभी का अभिनंदन एवं आभार व्यक्त किया। सभा को सुंदरलाल पांडे, कृपा शंकर शुक्ला, सुधीर कुमार मिश्रा, सुधा निगम, पीसी मिश्रा द्वारा संबोधित किया गया। हरिशंकर शुक्ला, ओएन वाजपेयी, राव प्रकाश गुप्ता, अब्दुल रऊफ, एस के दीक्षित, डीएन शुक्ला, हर प्रसाद शुक्ला, ओपी शुक्ला, रमाकांत सचान, मोहम्मद इस्माइल, रमेश यादव उर्फ मामा, जितेंद्र पाल, अफसर अली, के मिश्रा, के पी वर्मा, चंद्र प्रकाश, धर्मपाल सिंह, शकूर अहमद, राजीव मिश्रा और जोगेश्वर प्रसाद आदि उपस्थित रहे। सभा का संचालन जयरूप सिंह परिहार द्वारा किया गया। रिपोर्ट गिरीश त्रिपाठी। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।